हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मी वीना रानी फ्रॉम विजडम स्कूल। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आज हमारा टेस्ट है किस चीज का? विलोम तथा पर्यायवाची शब्द का। तैयारी तो आपने कर ही ली होगी अच्छी से, है ना? तो मैं क्या करवाऊंगी आपको, फटाफट रिवीजन करवाऊंगी। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करती है रिवीजन विलोम तथा पर्यायवाची शब्द की। तो पहले हम रिवाइज करेंगे टेस्ट के लिए विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द 21 टू 45 मैंने आपको नोटबुक में लिखने के लिए दिए थे, क्योंकि 1 टू 20 और उसका अभ्यास कार्य विलोम शब्द का हम फर्स्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं। विलोम शब्द क्या होता है? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। गुण, दोष या अवगुण, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। गुण, दोष, अवगुण। तो अब जरूरी नहीं है कि मैं गुण ही दूंगी, ये भी दे सकती हूँ, ये भी दे सकती हूँ। अगर ये दिया तो आप ये लिखोगे, ये दिया तो ये लिखोगे, है ना? ये दिया तो ये लिखोगे। हर तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। अंधकार, प्रकाश। अंधकार, प्रकाश। स्वस्थ, अस्वस्थ। स्वस्थ, अस्वस्थ। लायक, नालायक। लायक, नालायक। नालायक मैंने दे दिया तो आप क्या लिखोगे? लायक। रोगी, निरोगी। रोगी, निरोगी। एक, अनेक। एक, अनेक। नवीन, प्राचीन। नवीन का अर्थ क्या होता है? नया, प्राचीन, पुराना। लेकिन नवीन के साथ आप पुराना शब्द नहीं लिखोगे, नवीन के साथ प्राचीन ही लिखोगे। नया शब्द आ गया तो आप पुराना शब्द लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था विलोम शब्दों में तत्सम शब्दों का जो विलोम शब्द लिखना होता है वो तत्सम में, और तद्भव का तद्भव में। ठीक है। क्रय, विक्रय। क्रय क्या होता है? खरीदना। विक्रय, बेचना। देव, दानव। देव, दानव। वीर, कायर। वीर, कायर। अनुज, अग्रज। अनुज क्या होता है? छोटा भाई। अग्रज, बड़ा भाई। अनुज, अग्रज। स्वार्थ, परमार्थ। स्वार्थ क्या होता है? खुद के लिए जो हम काम करते हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने बारे में सोचना, वो क्या कहलाता है? स्वार्थ। परमार्थ, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। स्वार्थ, परमार्थ। शुभ, अशुभ। शुभ, अशुभ। इच्छा, अनिच्छा। इच्छा, अनिच्छा। धूप, छाया। धूप, छाया। भारी, हल्का। भारी, हल्का। लाभ, हानि। लाभ, हानि। हानि, लाभ। हर्ष, शोक। शोक, हर्ष। हिंसा, अहिंसा। अहिंसा, हिंसा। सरस, नीरस। नीरस, सरस। नूतन, पुरातन। अब नूतन नया होता है, पुरातन पुराना। तो देखिए, नवीन के साथ प्राचीन लिखना था हमने, तो नूतन के साथ हमने क्या लिखना है? पुरातन। पुरातन, नूतन। मान, अपमान। अपमान, मान। उपकार, अपकार। उपकार होता है भलाई, अपकार होता है बुराई। लेकिन उपकार के साथ हम बुराई नहीं लिखेंगे, उपकार के साथ हम अपकार ही लिखेंगे। अपकार, उपकार। सौभाग्य, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य, सौभाग्य। सौभाग्य होता है अच्छी किस्मत, दुर्भाग्य होता है बुरी किस्मत। राजा, रंक। रंक, राजा। रंक या प्रजा, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अब हम रिवाइज करेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी यानी समान अर्थ बताने वाले, पर्यायवाची भी वही बात है, समान अर्थ बताने वाले। तो ये नाम और ये नाम एक ही है, इन दोनों का अर्थ एक ही है। समान अर्थ, जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो देखिए, संसार, दुनिया, जग, जगत। अब जग, जग का पर्यायवाची शब्द लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? संसार, दुनिया, जगत। कुछ भी लिख सकते हो, है ना? ये चारों आपस में क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो तीन तीन करवा रही हूँ, दो दो तो आपने बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए हर शब्द का
हर शब्द के दो पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। संसार, दुनिया, जग, जगत, सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। आकाश, आसमान, नभ, गगन। आकाश, आसमान, नभ, गगन। पृथ्वी, धरती, धरा, भू। पृथ्वी, धरती, धरा, भू। हवा, पवन, वायु, समीर। हवा, पवन, वायु, समीर। दिन, दिवस, वार, वासर। दिन, दिवस, वार, वासर। घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक। घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक। पुत्र, सुत, तन्य, आत्मज। पुत्र, सुत, तन्य, आत्मज। पुत्री, सुता, तन्य, आत्मजा। पुत्री, सुता, तन्य, आत्मजा। जंगल, वन, कानन, अरण्य। जंगल, वन, कानन, अरण्य। रात, रात्रि, निशा, रजनी। रात, रात्रि, निशा, रजनी। घर, गृह, निकेतन, आवास। आल्य, भवन, ये भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। घर, गृह, निकेतन, आवास। इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा। इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा। बिजली, चपला, दामिनी, विद्युत। विद्युत को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों तरीके सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। बिजली, चपला, दामिनी, विद्युत। वस्त्र, अंबर, चीर, पट। वस्त्र, अंबर, चीर, पट। हाथ, हस्त, कर, पानी। हाथ, हस्त, कर, पानी। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा। ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा। राजा, भूप, नरेश, नृप। राजा, भूप, नरेश, नृप। अमृत, अमिय, सुधा, सोम। अमृत, अमिय, सुधा, सोम। फूल, सुमन, कुसुम, सुमन, पुष्प। फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प। देव, देवता, सुर, अमर। देव, देवता, सुर, अमर। बादल, मेघ, घन, घटा। बादल, मेघ, घन, घटा। शिक्षक, गुरु, अध्यापक, आचार्य। शिक्षक, गुरु, अध्यापक, आचार्य। राक्षस, असुर, दानव, दैत्य। राक्षस, असुर, दानव, दैत्य। चांद, चंद्रमा, शशि, इंदु, राकेश। चांद, शशि, चंद्रमा, इंदु। अतिथि, मेहमान, पाहुन, आगंतुक। अतिथि, मेहमान, पाहुन, आगंतुक। सर्प, सांप, नाग, भुजंग। सर्प, सांप, नाग, भुजंग। सिंह, शेर, केसरी, वनराज। सिंह, शेर, केसरी, वनराज। शरीर, तन, देह, काया। शरीर, तन, देह, काया। कमल, पंकज, जलज, नीरज। कमल, पंकज, जलज, नीरज। गंगा, देवनदी, सुरसरी, भागीरथी। गंगा,
देवनदी, सुरसरी, भागीरथी, कुशल, दक्ष, निपुण, प्रवीण, कुशल, दक्ष, निपुण, प्रवीण, पशु, जानवर, चौपाया, मवेशी, पशु, जानवर, चौपाया, मवेशी, मोर, मयूर, कलापी, नीलकंठ, मोर, मयूर, कलापी, नीलकंठ, पर्वत, पहाड़, शैल, गिरी, पर्वत, पहाड़, शैल, गिरी, प्रकाश, आलोक, प्रभा, उजाला, प्रकाश, आलोक, प्रभा, उजाला, अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, धन, दौलत, संपत्ति, वित्त, धन, दौलत, संपत्ति, वित्त। तो वृक्ष के दो पर्यायवाची शब्द बताइए। पेड़, वीटप, तरु, पेड़, वीटप, तरु। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम जो मैंने अभी आपको पीछे करवाया था, पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समानार्थ बताने वाले शब्दों को। सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज, रवि, ये भी हम पीछे कर चुके हैं। अब गलत पर्यायवाची शब्द पर गलत का चिन्ह लगाइए। मोर, मोर का हमने ऊपर किया, मयूर भी किया, नीलकंठ किया, निशाचर नहीं होता, इस पर गलत का निशान लगा दिया। धन का हमने पीछे संपत्ति भी किया, वित्त भी किया, विपत्ति नहीं होता, विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत। संसार का विश्व भी किया हमने पीछे, जगत भी किया, सुरलोक नहीं होता। ईश्वर का रत्नाकर नहीं होता, प्रभु भी होता है, परमात्मा भी होता है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। रात का देखिए निशा, रजनी, शरीर, काया, तन, रात, निशा, रजनी, शरीर, काया, तन, बादल, मेघ, घन, बादल, मेघ, घन। साथ ही साथ ये देखिए आपका इसी व्याकरण पुस्तक का पेज नंबर 128, पेज नंबर 128 पे है क्रियाकलाप वन। ये जो आपने व्याकरण पुस्तक का पाठ 1, 2 तथा 3 किया है ना, व्याकरण पुस्तक का पहले शुरू में पाठ 1, 2, 3, उसके आधार पर ही उन्हीं में से ही ये सैंपल पेपर बना हुआ है। और क्रियाकलाप 2 पेज नंबर 129 पर जो आपने व्याकरण पुस्तक का पाठ 4, 5, 6 उसके आधार पर ये बना हुआ है। तो ये बिल्कुल इजी है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। वैसे जब मैं आपको कोई प्रश्न उत्तर का वीडियो या क्वेश्चन उसके सॉरी अभ्यास कार्य और कोई कार्य होता है, कहानी पत्र, तो जो वीडियो भेजते हैं तो उसके बाद पीडीएफ भेजा जाता है, वो काम कंप्लीट करने के लिए, लर्न या लिखने के लिए और लर्न करने के लिए भी भेजा जाता है ना। लेकिन जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम होमवर्क कौन सा करेंगे, ये वाला, ठीक है, आपने कंप्लीट करना है। मैं इसका ब्लैंक का पीडीएफ भेजूंगी, आपने इसको कंप्लीट करना है। टेस्ट के बाद ये आपका होमवर्क होगा। ओके, टेक केयर बेटा।